आपके साथ जो भी हुआ मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारे पीछे दीवाना कैसे करे, जो तुम्हें छोड़ के गई है ना वो तुम्हारे पीछे पागल कैसे हो, मुझे बस तुम्हें ये बताना है। क्योंकि भाई ये चीज़ मैंने किया है, मैंने अच्छे से आजमाया और यही चाहता हूँ कि जो आज तुम्हारे ऊपर बीत रही है, जो तुम सोच रहे हो ना कि यार कैसे मैं उसको पागल करूँ, कैसे मैं दिखाऊँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हारे जाने से, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ यार अभी अभी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारी तरफ देख तक नहीं रही मेरे भाई। तो आज की इस वीडियो को तुम लास्ट तक देखोगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है वो तुम्हारे पीछे एकदम दीवानी हो जाएगी, पागल हो जाएगी, जिससे कि भैया हो सकता है कि वो वापस आए, फिर उसके बाद में तुम उसको लात मार के भगा सकते हो, बोलोगे चल निकल यहाँ से, जब मुझे तेरी जरूरत थी तब तो तू आई नहीं, अब क्या करने आई है, चाहते हो ना तो लास्ट तक देखना, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो होती है मेरे भैया वो ये होती है कि तुम लोग गाना गाने लगते हो बे, सच में तुम लोग गाना गाने तो अपने दोस्तों जाके बता भाई मेरा ब्रेकअप हो गया, भाई ब्रेकअप हो गया, भाई ब्रेकअप हो गया, दूसरों को बता रहे हो, दूसरों को दिखा रहे हो, जता रहे हो, एकदम सैड होके घूम रहे हो, एकदम लटका हुआ, एकदम मतलब ये होता है ना कि 6 साल 7 साल पुराना जो है वो लौकी होता है ना, वो एकदम घिया हुआ जो भी हो वो को पूरा पूरा ऐसा चुचुक के एकदम छोटा हो जाता है, ऐसा तुम्हारा मुंह हो जाता है, काहे लिए मेरे भाई, ब्रेकअप ही हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम चूतिया तुम्हें पड़ रहा है। अभी मेरी बातों को बुरा मत मानना, ठीक है, मैं ऐसे ही बताऊंगा, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुमको सच में उसको वापस पाना है तो पूरा देखना, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये हो गया, जो तुम ये दूसरों को गाने लगते हो, दूसरों को बताने लगते हो, ये चीज़ मत करो, ठीक है। सेकंड चीज़ ये होता है भैया कि तुम्हारे चेहरे की खुशी जो होती है, जो खुशी होती है, जो पहले उससे पहले हंसी होती है, जो तुम अपने दोस्तों से हंसते खेलते हुए बात करते थे, जो 24 घंटे तुम एक्टिव रहते थे, खेलते तो कुछ तक घर में एकदम तुम खिलखिलाते रहते थे, उड़ते रहते थे, जवानी तुम्हारी जो है भर भर के आ रही थी, लेकिन अभी क्या हो गया कि तुम्हारी जवानी बाल्टी भर पानी में डूब के मर गई है, उसको फिर से जगाओ, समझे, हाँ उसको फिर से जगाओ। और इसके बाद भैया उसको ये मत दिखाओ, और तुम लोग क्या करने लगते हो भैया कि सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि तुम्हारी अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ तो भैया तुम क्या है फेसबुक वेसबुक वाला ड्रामा करने लगते हो, व्हाट्सअप वाला ड्रामा करने लगते हो, इंस्टाग्राम वाला, कि भैया हाथ काटने वाला, पैर काटने वाला, ये निशान वो निशान, ऐसी वीडियो वैसी वीडियो, रोने वाला गाने वाला, अरिजीत सिंह के गाने, इसके गाने उसके गाने, सारे के सारे दुख भरे अंबर तुम्हारे एक हफ्ते में ही टूट पड़ते हैं, एक ही दिन में सब कुछ टूटने लगता है, तुम्हें लगता है कि भैया बस मैं मरने वाला हूँ, ये स्टेटस देख के वो आ जाएगी, ये देखने के बाद वो तुमको चूतिया समझेगी, और अगर आने के बारे में भी सोचेगी तो भैया तुमको लात मार के चल देगी, समझे, बस यही पूछोगे क्यों कर ले ऐसा, क्यों कर रहे हो, तुम सोचोगे ये सब देखने के बाद वापस आ जाएगी, भाई कौन सी लड़की जो ऐसे दुख भरे लौंडे के साथ रहना चाहेगी, तुम खुद बताओ यार, तुम रहोगे जो दिन रात हाथ काटे, दिन रात मरने की धमकी दे, उसके साथ तुम रहोगे, नहीं रहोगे ना। यही चीज़ मेरे भाई आपको समझना चाहिए, ऐसी हरकतें मत करो, खुश रहोगे। अगर तुम अगर अभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है ना, मेरी बात का यकीन हो, अभी अगर आज तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, वो वीडियो अगर ये वीडियो भी तुम तुरंत देख रहे हो, तो मेरे भाई अभी तुम कुछ मत करो, बस फनी से एकदम कॉमेडी जिसमें तुमको हंसी आ जाए वैसा स्टेटस लगाओ अपने इंस्टाग्राम पे, या फिर जहां भी लगाना चाहो वहां पे वैसे लगाओ, एकदम खुश रहो, कुछ नहीं ज़्यादा नहीं, 2-4 दिन खुश रहो, वो लड़की तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगी, भैया अरे यार इस लौंडे को तो साला ब्रेकअप हुआ है अभी, मतलब इसको तो मैं छोड़ के आया हूँ, मेरी खूबसूरती पे तौहीन है यार, ये मेरे लिए पागल नहीं हो रहा है, दीवाना नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों है यार, इसमें ऐसा क्या खास है भाई, ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर मतलब उसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत कुछ एकदम उगने लगेगा, फिर से एकदम वो हो जाएगा, भाई ये क्या है मेरी खूबसूरती के पीछे, मेरे पीछे दीवाना क्यों नहीं है, ये रो क्यों नहीं रहा है मेरे लिए, ये सब चीज़ जब उसके दिमाग में आएंगी ना भैया, उनका ये क्वेश्चन मार्क वाला सिस्टम जब उसके दिमाग में आएगा, ऑटोमेटिक तुम्हारे पास आएगी पूछने के लिए ऐसा क्यों हुआ, उसके बाद भैया वो तुमको फिर से तड़पाने की कोशिश करे, लेकिन इस बार जो है तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस हाँ आ जा तुझे तो मैं इकट्ठा ही कर रहा हूँ, बस मछली के जाल में फंसाओ, उसके बाद फिर उसको उल्टा लटकाओ, जो तुम्हारे साथ किया उसने वैसे तुम भी कर जाओ, ठीक, समझ रहे हो, अगर वो प्ले गर्ल टाइप की लौंडिया है तभी, और अच्छी लड़की हुई तो भाई मत करना। अब कुछ लोग कहेंगे ना भाई हिमांशु भाई ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों, भाई सच्चाई है मेरे भाई, सच्चाई है ये, समझे, हाँ। तो ये हो गया ना तुम्हारे साथ, अब भैया खुश रहोगे, एकदम फिट रहोगे हर एक चीज़, अभी थोड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट करो, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, लौंडे होते हैं भैया, ब्रेकअप होता है उनका, तो उसके बाद भैया वो लोग को तो भाई काला कमरा दे दो, एक काला कमरा दे दो, लाइट बंद कर दो, दारू की बोतल दे दो, सिगरेट दे दो, ये कर दो वो कर दो, उनको रहना तो 3-4 साल उसी में पड़े रहेंगे। अरे मेरे भाई 1 साल के रिलेशनशिप के चक्कर में 3 साल लग जाता है तुमको ब्रेकअप से उधरने में, उसके बाद तुम्हें समझ में नहीं आता ये साला उम्र कैद है क्या, मतलब क्या है क्या ये, इससे बढ़िया रिलेशनशिप में आए क्यों थे, ठीक है। इन सब चक्करों में मत पड़ो, बहुत सारे ऐसे लौंडे होते हैं, अपने दिमाग को थोड़ा एकदम क्लियर कर लो, ठीक है। योगा वोगा करा करो, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते, बहुत ज़्यादा थोड़ा योगा वोगा करो, इधर उधर घूमो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, ऑटोमेटिक तुम्हारा कम हो जाएगा, समझे, ये सब करो, आज के ज़माने में ऐसा ही होता है मेरे भाई, तुम्हारे प्यार को कोई नहीं समझेगा ना तुम्हें कोई समझेगा, खेलना सीखो हर किसी से, अगर तुम अच्छे बन जाओगे तो तुम्हें दुनिया बुरी बनाने पे उतारू हो जाएगी, समझे, इसलिए बुरे हो तो ज़्यादा अच्छे हो, बुरे हो तो ये दुनिया तुम्हें जीने देगी, अगर अच्छे बनने की कोशिश करोगे तो उल्टा तुम्हें झुका करके मार के तुम्हारी लेके चल देंगे, समझे, तो बुरे बनो मेरे भाई, अच्छा बनने से चूतिया बनने से कुछ नहीं होता, वो तुमको चूतिया बना के गई ना, अभी ऐसे ऐसे करो, खुश रहो, उसके बाद में हर एक चीज़ करो, देखो ऑटोमेटिक वो आएगी तुम्हारे पास,
समझे, तुम्हारी एक्स तुम्हारे पास आएगी, बस वहीं पे क्या करना है तुम्हें, फिर से मत गिनना कभी भी किसी भी चीज़ पे, एक बार नागिन पे भरोसा कर लो। लेकिन मैं सच में बता रहा हूँ, ऐसी लड़कियों पर बिल्कुल मत भरोसा करना, या फिर ऐसे लड़कों पर बिल्कुल भरोसा मत करना। अगर लड़कियों तुम भी देख रही हो तो, एक बार जो बंदा तुम्हें छोड़ के जा रहा है, बार बार तुम्हें ब्लॉक कर रहा है, हर एक चीज़ कर रहा है, तुम्हें इज्जत नहीं दे रहा, तुम्हारी कदर नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, उसको दो बार तीन बार मौका कभी मत दो। एक बार मौका दिया नहीं उतरा, कोई बात नहीं, गेट आउट, गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए तुम मेरे को मेरी ज़िंदगी में। तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। और एक बात बता दूँ, अगर आपको, आपने मेरा एक और चैनल है जो कि आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके देखिए। वहाँ पे मैंने आपको बताया, अगर कोई लड़की आपको बार बार ब्लॉक करती है, अनब्लॉक करती है, ठीक है, ऐसा कुछ सीन है आपके साथ, तो क्या करना चाहिए तुम्हें, ठीक है। या फिर तुम किसी के आगे भीख मांगने लगते हो कि भाई मुझे अनब्लॉक कर दो, भाई मुझे अनब्लॉक कर दो, प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो, एक बार कर दो, मैं मर जाऊँगा, मैं कुत्ता बन जाऊँगा, ये सब चीज़ों के लिए भाई तुम एक बार प्लीज़ जा करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर ये इंड बटन में भी आ रहा है, इसको जा करके इस वीडियो को देखो, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना।